प्रदूषण की हालत दिल्ली में हो रही है, उसको दिल्ली शहर पूरा गैस चेंबर बना हुआ है। पहले तो ठीकरा फोड़ा जाता था, दिवाली पर आतिशबाजी होती है उससे पोल्यूशन बढ़ता है, पर अब तो आतिशबाजी भी नहीं है, फिर पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है? देखिए, इसमें दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। असली में कारण क्या है कि दिल्ली में पोल्यूशन का सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की इसलिए है कि जो कार्य इनको समय से करने चाहिए थे वो इन्होंने नहीं किए। और आप किस चीज़ पे बैन लगा रहे हैं? आप पटाखे पे बैन लगा कर आप दिल्ली के अंदर में इतना पोल्यूशन हुआ है, और आप कमर्शियल वाहन पे रोक लगाते हैं, आप डीजल वाहन पे रोक लगाते हैं, आप इंडस्ट्रियल का जो कचरा है जो सीधा डायरेक्ट आप जमुना जी में डाल रहे हैं, सबसे पहले उस पर रोक लगाना चाहिए। दिल्ली के 22 बड़े नाले डायरेक्ट उसके जमुना जी में डलते हैं। वजीराबाद के बाद में वो जो जमुना जी है वो नाला बन जाती है। तो ये फेलियर किसका है? ये फेलियर दिल्ली सरकार का है। तो दिल्ली सरकार अपने कार्यों में नाकाम है, और केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं, वो ढंढोरा ज़्यादा पीटते हैं और काम कम करते हैं। 4 दिन बाद छठ आ रही है। अब जैसे हम जमुना जी में छठ, ये आस्था का प्रतीक है, छठ एक बहुत बड़ा पर्व है पूर्वांचल के लोगों का, वो जमुना जी में घाट पे ही उस छठ मनाते हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि अगर छठ के द्वारा जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो सामान डाला जाता है, उससे भी जमुना मैली होती है, इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैंने बताया ना, अभी कुदरत ने एक बारिश की है, उस बारिश से दिल्ली का पोल्यूशन घट गया। जैसे ही बारिश का असर कम हुआ, आज पोल्यूशन फिर हो गया। और जमुना के घाट की रही बात, आपको मैं अभी बताया कि दिल्ली के 22 बड़े नाले जो डायरेक्ट जमुना जी में डलते हैं वो सबसे बड़ा पोल्यूशन है। ये सिर्फ पूर्वांचल की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, और इस सरकार की मंशा ये है, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी जो छठ घाट बनाए गए उन बेचारे जो कार्यकर्ताओं ने पैसा लगाया अपनी जेब से, वो सरकार उसको देने में भी फेलियर रही। एक तरफ सैली ओबराय कहती है कि हम पूर्वांचल वासियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए दिल्ली में 1000 से ज़्यादा छठ घाट बनाएंगे, और वहीं अगर देखा जाए तो बवाना क्षेत्रीय की बात की जाए तो बवाना विधानसभा में अकेले 9 ऐसे छठ घाट तोड़ दिए गए जो कि वहाँ के स्थानीय समितियों ने ही बनाए। यही तो फेलियर है इनका। इनको पैसे बनाने के सिवा कोई काम नहीं है, सिर्फ ढंडोरा पीटना इनका काम है, चाहे वो सैली ओबराय हो, चाहे इनके आका अरविंद केजरीवाल हो। ये नया बनाएंगे जब ही ना पैसे खाएंगे, और नया भी इस तरीके का बनाते हैं कि वो कामयाब नहीं होता। अभी हमारे मेरे विधानसभा में चलिए किराड़ी में, क्या हाल है, 20 नए छठ घाट का ये काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर जुड़ती नहीं थी। ऑलरेडी वहाँ बने, उनको रिपेयर कीजिए, क्योंकि पैसा बनाना इनकी मंशा है, काम करना इनकी मंशा नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि राजस्थान का चुनाव होने वाला है, कल चुनाव प्रचार थम गया, कल चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजस्थान को लेकर? पांचों राज्य में NDA गवर्नमेंट, भाजपा अलायंस के लोग जीतेंगे, और उनको मेरी शुभकामनाएं।